फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि शुड बी प्लस आईएनजी फॉर्म का क्या यूज है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हम शुड बी प्लस आईएनजी फॉर्म को कब यूज करें। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके क्वेश्चन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, आप इस टॉपिक को शानदार तरीके से समझ सकें, इसलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगा। फ्रेंड्स, एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी यूट्यूब वीडियो अच्छे नहीं चल रहे थे, जबकि मैं दिनों रात मेहनत कर रहा था। तो एक दिन मैं नर्वस हो गया और मैंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे लगता है अब मैं YouTube पर वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे दोस्त ने मुझे बहुत समझाया और वो फाइनली मुझसे कहा, तुम्हें YouTube पर वीडियो अपलोड करते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप इस सेंटेंस पर गौर करें। मेरे फ्रेंड ने कहा, आपको यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते रहना चाहिए, यानी उसके इस सेंटेंस में दो बात है। पहले उसने मुझे एडवाइस किया, सलाह दिया, और दूसरा उसने मुझे ये बताया कि कोई काम जारी रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी आपको अपने लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो जहां आप कहना चाहें, किसी को सलाह देते हुए ये कहना हो कि कोई काम जारी रखो या कोई काम लगातार करते रहो, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए शुड बी प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे अगर कहना हो, तुम्हें वीडियो अपलोड करते रहना चाहिए, तो आप कहेंगे, यू शुड बी अपलोडिंग वीडियोज। फ्रेंड्स, अक्सर मुझे इस तरह के लर्नर मिलते हैं जो बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं और वो कहते हैं कि शायद मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता। तो मैं उनसे कहता हूँ, तुम इंग्लिश बोल सकते हो, तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने कहा तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, यानी मैंने उनको एडवाइस दिया और ये बताया कि तुम्हें कोई काम कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी सिचुएशन ऐसी हो जहां आप किसी को सलाह दें और ये कहें कि कोई काम जारी रखो या तुम्हें कोई काम जारी रखना चाहिए, तो इस कंडीशन में आप शुड बी प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। आपको अंग्रेजी बोलते रहना चाहिए, तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप शुड बी के साथ जो एक्शन होगा उसमें आप आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। जैसे अगर लिखा हो, आपको इंग्लिश बोलते रहना चाहिए, तो आप कहेंगे, यू शुड बी स्पीकिंग इंग्लिश। आपको पैसा कमाते रहना चाहिए, यू शुड बी अर्निंग मनी। आपको वीडियो अपलोड करते रहना चाहिए, यू शुड बी अपलोडिंग वीडियोज। आपको कमजोरों की मदद करते रहना चाहिए, यू शुड बी हेल्पिंग द वीक। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि आपको यह दवा खाते रहनी चाहिए, तो आप कहेंगे, यू शुड बी टेकिंग दिस मेडिसिन। आपको दिनों रात मेहनत करते रहना चाहिए, यू शुड बी वर्किंग डे एंड नाइट। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी आपको अपनी लाइफ में कहना हो कि किसी को कोई काम लगातार करते रहना चाहिए, तो आप शुड बी के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात समझ में आई कि जब कभी भी आप किसी को सलाह दें, एडवाइज करें और ये बताएं कि कोई काम आपको लगातार करते रहना चाहिए, तो वहां आप शुड बी के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को शानदार तरीके से समझें, तो फिर आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दें। फ्रेंड्स, अगर लिखा हो, You should be watching this English channel. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस सेंटेंस का क्या मीनिंग हुआ? आंसर जरूर दें, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। फिर मिलेंगे एक नए स्ट्रक्चर के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।